दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूं मेरी अपनी लिखी कहानी, रेत सा फिसलता वक्त। सड़कों पर दौड़ती तेज गाड़ियां और उनके हॉर्न, शहर का शोरगुल, इन सब में मेरा मन अब भी कहीं भागा जा रहा था, ऐसे जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने बाबा की उंगली छुड़ाकर दौड़ पड़ता है। आज भी मैं वहीं 22-25 साल पहले रुक सा गया हूं। हाँ, बस मैं 8 बरस का ही तो था जब पहली बार माँ को इतना परेशान और बाबा को गुस्से में आग बबूला देखा था। उस परेशानी और गुस्से का कारण आज मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि उस समय बाबा जहां खड़े थे, मैं भी आज वहीं खड़ा हूं। आज मेरे पैर इतने बड़े हो गए हैं कि बाबा के जूते में आ जाते हैं, लेकिन मैं क्या समझ पा रहा हूं जो उस समय बाबा पर बीत रही थी। भले ही उस बात को 22 साल बीत गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी कल की ही तो बात है। समय ऐसे बीत गया जैसे हाथों से रेत फिसल जाती है। कभी बाबा मेरे और दीदी के भविष्य को लेकर परेशान थे, और समय पर पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाने से आखिरी समय पर दीदी की शादी का टूट जाना मेरे पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। इस बात को लेकर बाबा भी उदास थे, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह से टूट गए। उस दिन माँ भी परेशान थी, बाबा बहुत गुस्सा कर रहे थे उन लोगों पर जिन्होंने बाबा को समय पर पैसे नहीं दिए थे। एक तरफ बाबा का गुस्सा दीदी की शादी टूट जाने का, और दूसरी तरफ वो मुझे IIT भेजना चाहते थे, लेकिन IIT के लिए शहर नहीं भेज पाना उनके दिल पर जैसे एक बोझ बनकर रह गया था। और समय तो रेत सा फिसल गया, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां उस दिन मेरे बाबा खड़े थे। उस समय भी सब कुछ हाथ से छूट रहा था, और जैसे आज भी बस वही तो हो रहा है मेरे साथ। समझ ही नहीं पा रहा हूं कैसे रेत को बंद मुट्ठी में कैद कर लूं, समय को कैद कर लूं। बस ऐसा रमेश खड़ा सोच ही रहा था कि बाहर से आवाज आती है, पापा आपके लिए खुशखबरी है, जल्दी बाहर आइए। कहाँ हो? क्या बात है रवि? पापा आपको पता है? अब तुम बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना रवि। पापा मुझे पूरे कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है, अब मुझे IIT करने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी खुशी जैसे मेरे रोम रोम से छलक रही थी। आज ऐसा लगा शायद समय को हम अब मुट्ठी में रोक पाएंगे। उस दिन अगर मेरे पास भी ऐसा कोई रास्ता होता तो समय हाथ से नहीं फिसल पाता, या कहूं जो काबिलियत मेरे बेटे के पास है वो मेरे पास नहीं थी शायद, वरना मेरे पिता ऐसे तिल तिल नहीं बिखरते और आज मेरी इस खुशी का हिस्सा होते। आज मैंने अपने जीवन में अपने बेटे से सीखा है कि कैसे रेत से फिसलते समय की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सब हमारे हाथ में होता है, सिर्फ जरूरत होती है थोड़े से संयम की और बहुत सारे आत्मबल की, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं होती, समय पे समझ नहीं पाते। दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी मेरी अपनी लिखी कहानी, रेत सा फिसलता समय। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।